सारा होमवर्क ध्यान से करना, सब चेक करूंगा मैं, और जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। पापा जी एक बार बताओ, इंसान इस दुनिया में कैसे आए? बेटा ऊपर वाले ने पहले इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर जान डाली और फिर दुनिया में भेज दिया। अम्मा इंसान इस दुनिया में कैसे आए? बेटा सारे इंसान पहले बंदर थे, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंसान बन गए। पापा अम्मा तो कह रही है पहले सारे इंसान बंदर थे। नाना बेटा वो तो अपने घर वालों की बात कर रही है, वो तो अभी भी आधे बंदर ही हैं, पूरे इंसान ना बने। आए भगवान ने मैं कैसे मुंडिया देके पड़ा लोमड़ी के। अरे आपा तुम कब आई? आओ आओ। अरे आपा आने से पहले कम से कम बता ही देती, मैं बाहर चढ़ी जाती तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लाने के लिए। आए हाय तो अब लिया, मैं कौन सा जा रही हूँ जल्दी से। और बताओ आपा कहाँ से आ रही हो? आए मुखबरी मार के आ रही हूँ। एक मुखबरी? कैसी मुखबरी? आए वो तुम्हारी छोटी खाला नहीं है जायदा, उससे मेरी बात हुई थी कि उसका लड़का जो है शादाब, उसका रिश्ता मैं ही कराऊंगी। 5100 रुपए और 2 सूट में बात पक्की हुई थी। आए बता मैं तो उसके लड़के के लिए लड़की ढूंढती फिर रही हूँ, और उसने अपने लड़के का रिश्ता कहीं और कर दिया, वो भी गैर बिरादरी में कमबख्त। तो क्या हुआ, कोई अच्छा रिश्ता मिल गया होगा शायद, इसीलिए कर दिया। अच्छा मैं भी सिलमपुर की हूँ, चौहान बागड़ गली नंबर 3 की, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगी। मैंने भी लड़की वालों के यहाँ जाके पिन मार दी। आए मैंने तो कह दिया लड़का तो स्मेक या स्मेक पीवे, हाथों हाथ रिश्ता खत्म करा के आई हूँ मैं। आपा ये तो अच्छा ना करा तुमने, वो तो बड़ा सीधा लड़का है। आए बता तो मैं क्या करूं, मेरे तो 5100 रुपए मरे जा रहे हैं, कल वैसे इतना नुकसान हो गया मेरा। नुकसान? आपा तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया? आए वो नरगिस नहीं है नूरी राय वाली, उसने मुझसे कहा था आपा मेरे लड़के का रिश्ता करा दो, पर लड़की गोरी होनी चाहिए। आए तो मैंने भी सिलमपुर जाफराबाद मुस्तफाबाद की सारी लड़कियां दिखा दी, आए कमबख्त ने सारी फेल कर दी। आए मैंने क्या बहन अपना लड़का तो दिखा दे, उसके हिसाब से ही लड़की देखूंगी। आए मैंने लड़का देखा है उसका, काली चमका लड़का बच्चा, आए इतना काला रात का सन्नाटा। आए मैंने क्या बहन एक टॉर्च तो मंगा दे इसका मुंह देखने के लिए। आए तो कमबख्त को बुरा लग गया, मैंने क्या बताऊं औरों की तो सांवली भी तुझे काली लग रही, अपना कलुआ दिखाई ना दे रिया। आए मैंने तो मना कर दिया मुझसे ना होने का, तारकून के डिब्बे का रिश्ता। आप लड़के वाले ऐसे ही करें, एक लड़के के लिए पता ना कितनी लड़की फेल करें। आई रहने दे बस, लड़की वाले भी कुछ कम ना लोमड़ी के। लड़की वाले? वो कैसे? आए लोमड़ी वाले लड़कियों के फोटो भेजे हैं फिल्टर वाले। आए एक लड़की का फोटो आया और लड़की इतनी खूबसूरत, मैं चली गई रिश्ता लेके। आए बता मैं जाके बैठी हूँ, मैंने कहा लड़की को बुलाओ। वो बोले आपा तुमने पहचाना नहीं, यही तो है लड़की। आए बता मैं कैसे पहचानती, फोटो में तो लड़की एकदम रवीना टंडन, सामने देखा तो रानू मंडल। आई बहन मेरे तो दिमाग के कुत्ते फेल हो गए, मैंने तो उसी दिन से सबसे कह दिया सिर्फ आईफोन से खिंचे हुए फोटो चाहिए मुझे लड़कियों के, ये ओप्पो एमआई के फोटो पे रिश्ते ना कराती हूँ मैं अब। सही कह रही हो आपा, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आए काय को झूठ बोल लिया लोमड़ी के, ये तो फोटो में भी ईंटों के भट्टे की मजदूर लग रही थी, अभी भी ऐसी ही। अरे आपा देहरादून वाले चाचा की लड़की का रिश्ता कब कराओगी? आए बता मैंने भी कितनी बार कह दिया, नए नए मॉडल के लड़के आए हुए हैं मार्केट में, रिश्ता करवा लो अपनी लड़की का, बस हर बार यूं ही कह दे अभी तो पड़ रही। आए बता कमबख्त 30 की हो गई, अभी तक घर में पड़ी हुई और कितना पड़ेगी? बता पूरी उम्र खत्म हुई जा रही है, उसकी पढ़ाई खत्म ना हो रही। आए मैंने तो कह दिया इसे सजा धजा के सहेलियों की शादी में भेज, मेकअप वेकअप करा के मंगल बाजार में भेज। आए अल्ट्रा वाले पीस इतनी आसानी से ना निकलते हैं। आपा तुम्हारे बड़े भाई साहब भी तो रिश्ता देख रहे हैं अपनी लड़की के लिए, उसका ही रिश्ता करा दो। आए लड़की है वो कोई मेकअप की दुकान है, आए इतने महंगे महंगे मेकअप लगाती है। आए मैंने तो कह दिया इतने से मुंह पे इतना खर्चा कर रही है कमबख्त, इससे अच्छा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। आए आजा तेरा ही तो इंतजार कर रही थी मैं लोमड़ी के। अरे आपा मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आए मैंने तो देख लिया, तेरे लिए तो आई हूँ मैं लोमड़ी वाले। इसके लिए? इसके लिए आई हूँ। क्यों आपा इनने के कर दिया? आए रिश्ता लेके आई हूँ इसका एकदम वीआईपी। अरे आपा इसका रिश्ता तो शायद बिछोड़िया है ना, वो करवा रहे। आए हाय बुढ़ा डर से कांपे बने सूरवीर का पूत, घर में पड़े फाके मांगे चील का मूत। कमबख्त चौड़ा पजामा यहाँ भी आ गया मेरी कमीशन खाने।
आए किसी के चक्कर में मत पड़ियो, सब टुच्चे बिचोलिए हैं, बस नाश्ते मारने के लिए बिचोलिए बने हुए। आए ऐसा रिश्ता लाई हूँ इसका, पूरे मुस्तफाबाद में किसी का ना हुआ होगा ऐसा रिश्ता। अरे आप ऐसे किसका रिश्ता लेके आई हो? आए ऐसी लड़की है, जिंदगी भर कमाने की जरूरत ना पड़ेगी इसे, आए बिठा के खिलाएगी, पैसे छापने की मशीन है मशीन। आपा कबूले कबूले जल्दी करा दो। आई मेरा बच्चा बड़ी जल्दी मानिया। मुझे तो लगता है लड़की की सरकारी नौकरी होगी। आए सरकारी नौकरी वाले क्या बेचे हैं उसके सामने? अरे तो आपा लड़की करती क्या है? आए जुम्मेरात बाजार में बैठे है लड़की। जुम्मेरात बाजार में आए सम्मो लंगड़ी ना है भिकारन, उसी की बात कर रही हूँ। आपा तलाके मुझे ना करना ये रिश्ता। अरे आपा मैंने तो सुना है वो अंधी भी है। आई ये तो अफवाह उड़ा रखी है सबने, अंधी थोड़ी है वो तो काड़ी है, एक आंख से तो दिखाई दे उसे। अरे आपा हम क्या भिखारियों से करेंगे रिश्ता, माना ये इसी लाएगा पर हमारी तो कोई इज्जत है। हे आया बड़ा इज्जत वाला है क्या तेरे पास? असली भिखारी तो तू ही है, 100 गज का प्लॉट है लड़की का, वो भी मेन रोड पे, कल्ले कम बखा जिंदगी भर बैठ के खाएगा। हेलो आए कैसे गले फट रहे हैं सबके, कैसे शोर मचा रखा है, है? भाग गई लंगड़ी। आए भाग गई कमबख्त इंजीनियर के साथ भाग गई, नसीब फूट गए तेरे। आए फिर से 5200 रुपए मर गए मेरे, शुरू से हिसाब लगाऊं तो अब तक 2,00,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। आप फायदा नुकसान तो लगा रहे जिंदगी में। आई लव मैरिज वालों के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो रही है हम बिचौलियों का, बता हम तो कहां कहां से घेर घेर के रिश्ते करवा रहे, कभी लड़की भाग जाए कभी लड़का भाग जाए। आपा हमसे भी कमीशन लोगी क्या, हम तो रिश्तेदार हैं तुम्हारे। आया बड़ा रिश्तेदार लोमड़ी वाला, कमीशन के मामले में कोई रिश्तेदारी ना करती मैं। चलो बहुत देर हो गई जा रही हूँ मैं, और तू कहीं मत भाग जाइए, तेरा रिश्ता तो मैं ही कराऊंगी। मैं सच में घर से भाग जाऊंगा अगर इन्होंने मेरा रिश्ता कराया तो, अब क्या फकीरों से रिश्ते करेंगे हम? तो क्या हुआ, मांगने वाली आदत तो तेरी भी फकीरों जैसी है। मैं काम करता हूँ 5100 रुपए ऐसे दे देता हूँ इनको, कम से कम हमारा पीछा तो छूट जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ 1500 फालतू देके रिश्तेदारी खत्म कर दो इनसे, सबका पीछा छूट जाएगा। मैं जाता हूँ अभी और रिश्तेदारी खत्म करने के रेट पूछ के आता हूँ।